अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ शेफ सरवत और आप देख रहे हैं कुकिंग शो रदनो ऑन धरती टीवी, स्पॉन्सर्ड बाय पैसिफिक कुकिंग ऑयल, जिनका दावा है विटामिन ए, ई और डी से है भरपूर, कोलेस्ट्रॉल फ्री और यूएसडी ट्रीटेड है। इसके अलावा जब बात सेहत जायके की किफायत की तो नहीं करना कोई भी कॉम्प्रोमाइज, आज ही जाना है और लेके आना है पैसिफिक कुकिंग ऑयल, क्योंकि यह है आज का इंतखाब। इसके साथ ही आ जाते हैं अपनी आज की जबरदस्त रेसिपी की तरफ, जिसमें हम बनाए जा रहे हैं जिन रमजानों में स्पेशल बनाने वाले कटलेट। जी हाँ, चिकन और पोटैटो कटलेट बना रहे हैं हम। ये रेसिपी आपने बहुत गौर से देखनी है, तमाम टिप्स को करना है, मेरी तमाम इंग्रेडिएंट को करना है फॉलो, अगर बनाना चाहते हैं कि आप लाजवाब से कटलेट और वही जायका वही लज्जत जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है जो है बाजारों में दस्तयाब। तो जी, पोटैटो और चिकन कटलेट बनाने के लिए मैंने तकरीबन 4 आलू ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के। उसके बाद उसको मैंने अच्छी तरीके से 100% बॉयल कर लेना है। 100% बॉयल करने के बाद आपने जी चिकन लेनी है तकरीबन 1 पाव के करीब, उसके आपने मिंस पिला लेना है, मतलब कीमा बना लेना है या उसको बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लीजिए, ठीक है जी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्ब, ठीक है, ब्रेड क्रम्ब जो है डबल रोटी का जो चूरा होता है वो हमें चाहिए होगा, तकरीबन आधा कप हमें चाहिए होगा। अगर आप इसमें चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ कर लें या चेडर चीज़ कर लें, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। इसके अलावा हमें जी नमक चाहिए होगा हसबे ज़ायका, पिसी हुई लाल मिर्च हम यूज़ करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें यूज़ करेंगे, गरम मसाला पाउडर यूज़ करेंगे, पिंच हम हल्दी यूज़ करेंगे, क्योंकि हल्दी हमेशा से मैं कहती हूँ कि जी होती है एंटीसेप्टिक, जो मारती है गोश्त के जरासीमों को, तो आपने चिकन में इसको ज़रूर यूज़ करना है। और ये ब्लैक चिली पाउडर, मतलब काली मिर्च का पाउडर जो है वो हम यूज़ करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मैदा यूज़ करेंगे हम 1/2 कप, ठीक है। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये तीनों जो सब्जियां हैं आपके पास, ये ऑप्शनल हैं, अगर आप ऐड करना चाहें अपने कटलेट में ऐड कर सकते हैं, इससे जायका और एनहांस हो जाता है। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो ज़रा सब्जियों से गुरेज करते हैं, तो सिर्फ आप आलू के या ब्लैक पेपर के साथ नमक के साथ भी बना सकते हैं। तो मेरे पास जो है ये आलू हैं, ये बिल्कुल 100% बॉयल हुए हुए हैं, इसको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मैश, ये इन आलूओं को अच्छी तरह से हम कुचल लेंगे, 1% भी इसमें कच्चा पना नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल मैंने इसको मैश कर लिया है, चार अदद आलूओं को आपने बॉयल करने के बाद उसका छिलका उतारना है और उसके बाद जो है आपने इसको अच्छी तरीके से कुचल लेना है। ये आलूओं को हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया, ठीक है जी, इसको हम साइड पर रख देंगे। इसके बाद ये चिकन के पीसेज हैं हमारे पास, हम इसको कटिंग करेंगे, इसकी छोटे छोटे स्लाइसेस या मिंस की तौर पे तरह से इसको काट लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास से मिंस मौजूद है या आप इसको बीफ में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बीफ में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन बीफ का मिंस ही आप यूज़ करेंगे, आप बीफ की बोटियाँ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसको थोड़ा गलने में टाइम लगता है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो पहले इसको गला लीजिए, उसके बाद जो है प्रॉपर रेसिपी को आप करिए फॉलो। इस तरह से मैं इसकी बारीक बारीक बोटियाँ कर रही हूँ, या आप ये समझ लें कि ये एज ए कीमा मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये चिकन हो गई हमारी, चिकन पोटैटो कटलेट हम बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमें चाहिए तकरीबन 1 पाव चिकन, 4 आलू जो कि बॉयल हुए हुए हों 100%, उसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे जी बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्ब, मैदा, दोनों चीज़ें हमने मस्त यूज़ करनी हैं। और अगर आप एडिशनल चाहें तो इसमें अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे हम इसमें, ठीक है जी। ये हो गई इसकी कटिंग। अब चिकन को जो है हमने बना लेना है, मतलब पका लेना है कटलेट बनाने के लिए या इसकी फिलिंग के लिए, जो हम आलू की फिलिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम चिकन से, ठीक है। उसको हम जो बनाना है उसके लिए हमने यूज़ करना है सबसे पहले पैसिफिक कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून।
फ्लेम दरमियानी रखनी है हमने, और दरमियानी फ्लेम पे ही हमने चिकन मिंस या चिकन का कीमा इसमें डाल देना है और इसको करना है फ्राई। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अलावा आप हमारा कुकिंग शो जो है देख सकते हैं, अगर आपसे मिस हो जाए, यूट्यूब पे अवेलेबल है रदनो के नाम से, RADHNO रदनो लिखेंगे, डेट डालेंगे, हमारा कुकिंग शो आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो जी धरती टीवी के नाम से हमारा चैनल अवेलेबल है यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो जितने भी हमारे प्रोग्राम होंगे आपका उसको आपके पास आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन, और इजीली आप उसको फिर चेक कर सकेंगे या देख सकेंगे। चिकन हो रही है हमारी फ्राई। रेसिपीज़ को आपने मेरी करना है फॉलो, हमारे प्रोग्राम को मस्त देखना है, हमें देना है फीडबैक हमारे रेसिपीज़ के हवाले से, हमारे प्रोग्राम के हवाले से, हमें रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार, आपके तासरात का इंतज़ार कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लगा, या आप कोई नई डिश बनाना चाहते हैं या नई डिश में ही कोई क्रिएटिविटी चाहते हैं कि उस डिश को और ज़्यादा मुनफरद कैसे बनाया जाए, उसका जायका कैसे चेंज किया जाए, तो आप भेजिए अपनी टिप्स और हमसे मांगिए आइडियाज़, तो हम जी देंगे आपको जवाब। तो इसी तरह से हमारा प्रोग्राम देखते रहिए रदनो ऑन धरती टीवी स्पॉन्सर्ड बाय पैसिफिक कुकिंग ऑयल, क्योंकि यह है आज का इंतखाब। देखिए ये चिकन हमारी हो गई है फ्राई, फ्राई होते ही मैंने इसमें डाल देना है जी पिंच हल्दी, हल्दी मस्त डालनी है, हल्दी होती है जी एंटीसेप्टिक। नमक डालना है हमने हंसते जायका, नमक डालते वक्त ख्याल रखिएगा क्योंकि आपने आलूओं के अंदर भी नमक डालना है, तो नमक की क्वांटिटी जो है वह ज़रा कम रखिए। ज़रा सा हम इसमें डालेंगे पानी क्योंकि मसाला जो है हमारा जल जाएगा अगर बगैर पानी के ही हम इसको फ्राई करते रहे। ठीक है जी, लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें डाल दी है, नमक डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम 1/2 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर, काले मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, और हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी से, बहुत मज़ेदार से बनेंगे ये स्नैक्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर करना है फॉलो और मुझे देना है फीडबैक। ठीक है जी, इस तरह से चिकन हमारी गल जाएगी। इसके बाद अच्छा ये भी है कि हम पोटैटो के साथ वेजिटेबल और भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें इसके मतलब चिकन हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हरा धनिया हम बारीक बारीक काटेंगे, इसकी डंडियां जो हैं बारीक रहनी चाहिए, चूल्हा हमने कर देना है बंद। ठीक है जी, ये बारीक बारीक हो गया हरा धनिया हमारा, इसकी प्रॉपर कटिंग होगी। इसके अलावा हम जो ऐड करना चाहेंगे सब्जियां, तो हम अपने जायके के हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें हरी मिर्ची डालेंगे हम इसमें, बारीक कटी हुई, बिल्कुल बारीक बारीक काट लेनी है। इसके साथ ही हुआ जाता है हमारे पास एक ब्रेक का टाइम, आपने जाना कहीं नहीं है, रहना है हमारे साथ, हम तो मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं कुकिंग शो रधनो ऑन धरती टीवी, स्पॉन्सर्ड बाय पैसिफिक कुकिंग ऑयल, जिनका दावा है विटामिन ए ई और डी से है भरपूर, कोलेस्ट्रॉल फ्री और यूएसडी ट्रीटेड है। इसके अलावा जब बात हो सेहत जायके किफ़ायत की, तो नहीं करना कोई भी कॉम्प्रोमाइज, आज ही जाना है और लेके आना है पैसिफिक कुकिंग ऑयल, क्योंकि यह है आज का इंतखाब। इसके साथ ही आ जाते हैं अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन एंड पोटैटो कटलेट। ठीक है जी, चिकन पोटैटो कटलेट है ये, और इसकी रेसिपी मैं उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है दोबारा से कर देती हूँ जी रिपीट। हमने लेना है एक पाव चिकन, उसका कर लेना है मिंस, या उसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ हमने काट लेनी है, और हमने आलू ले लेना है 4 अदद। आलू को हमने 100% बॉयल करना है, ज़रा सा भी कच्चा नहीं रहना चाहिए हमारे आलू। आलू को छीलने के बाद हमने उसको कर लेना है मैश, या उसको बिल्कुल भरता सा बना लेना है। मैदा चाहिए हमें इसकी बाइंडिंग के लिए, हमें चाहिए ब्रेड क्रम जो होता है वो होता है डबल रोटी का या ब्रेड का चूरा, जिसको हम पका के या सख्त करके जो है क्रिस्पी करके और उसको तोड़ लेते हैं बारीक बारीक। ठीक है, नमक चाहिए होगा हमें हसबे जायका, पिसी भी लाल मिर्च चाहिए होगी हमें, आप हसबे जायका भी ले सकते हैं और मेरी रेसिपी को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप ज़रा स्पाइसी खाते हैं। 1/2 टीस्पून हमें ये रेड चिली पाउडर चाहिए होगा, क्रश चिली चाहिए होगी हमने 1/2 टीस्पून, मतलब कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून हमें चाहिए होगी, हमें जी ब्लैक पेपर चाहिए होगा 1/2 टीस्पून, गरम मसाला चाहिए होगा 1/2 टीस्पून, पिंच चाहिए होगी हमें हल्दी। ठीक है, इसके अलावा हरा धनिया और पुदीना हम इस बारीक बारीक काट के इसमें डालेंगे, हरी मिर्च इसमें बारीक बारीक काट के डालेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई और सब्ज़ी फेवरेट है जो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं या डाल सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी जो है वो पानी वाली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इसके अलावा जो हम अपने चिकन को फ्राई करेंगे वो करेंगे जी पैसिफिक कुकिंग ऑयल में ही इसको फ्राई। हम लेंगे जी 2 टेबल स्पून ऑयल और उसको डालेंगे पैन में, उसको गर्म करना है हमने हल्का सा, उसके बाद हमें डाल देनी है उसके अंदर चिकन, जो मिंस है या कीमा है चिकन का, वो हमने उसको डालना है, उसको फ्राई करना है। तमाम मसाले जो कि मैंने बताए हैं, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर, ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल के इसको करना है थोड़ा सा फ्राई, थोड़ा सा पानी डालना है और उसको भून लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद ये जो हरा धनिया और हरी मिर्ची मैं बारीक बारीक काट रही हूँ, ये भी हमें इसमें ही ऐड करना है। ठीक है जी, इस तरह से हो जाएगा, बारीक बारीक बिल्कुल काट लेना है आपने। सब्ज़ी जो भी इसमें डलेगी वो बारीकी कटिंग के साथ डलेगी, ज़्यादा मोटा आपने इसको काट के डालना नहीं है वरना वो मुंह में आपके आएगा। ये मैंने डाल दी इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें, थोड़ा सा डालना है इसे पानी। इसको करना है फ्राई अच्छी तरह से, कच्चा नहीं रहना चाहिए इसको, और सबसे लास्ट में जो हमने करना है अपना कटलेट को फ्राई, तो हम फ्राई करेंगे उसको पैसिफिक कुकिंग ऑयल में, हम शैडो फ्राई करेंगे, हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो हम इसमें 1/2 कप यूज़ करेंगे जी पैसिफिक कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, वो हमने फ्राइंग पैन में इसको सेकना है या शैडो फ्राई करना है, देखिए इस तरह से ये चिकन जो है फ्राई हो जाएगी। फ्लेम कर देना है ऑफ और इसको करना है ठंडा। अच्छा, जब तक चिकन आपकी ठंडी ना हो तो आपने इसको कटलेट में ऐड नहीं करना, वरना यह है कि आपके जो कटलेट हैं या आलू है वो बीच में से फट जाएगा और वो सही से फ्राई नहीं हो पाएगा। साथ साथ रखना है जी आपने सफाई का भी ख्याल, साथ साथ सफाई भी करती जानी है, क्योंकि कुकिंग के दरमियान जो है काफ़ी चीज़ें फैल जाती हैं, जिससे जम्स फैलने का ख़तरा होता है, किसी सेहत का आपकी बीमारी फैलने का ख़तरा होता है। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत सारा ख्याल और सफाई का रखिए ख्याल। इसीलिए ये हो गया जी चिकन जो है हमारी हो रही है ठंडी, तो हम आलू के अंदर जो मसाला ऐड करने वाले हैं वो भी नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने पहले इसको फॉक से अच्छी तरीके से चूरा कर लिया था या मैश कर लिया था, अब मैं इसको हाथ की मदद से, लेकिन जब हाथ यूज़ कर रहे हैं
सकते हो आप हाथ जो है बिल्कुल साफ़ हों, साबुन से धुले हुए हों या सैनिटाइज हों, या फिर आपने इसमें ग्लास पहने हुए हों। देखिए बिल्कुल इसको नरम कर लेना है, कोई भी गुठली नहीं होना चाहिए आलू के अंदर। जैसे हम आटा गूंथते हैं और वो बिल्कुल बारीक हो जाता है, इसी तरह से हमने आलू को कर लेना है। नमक डालना है अपने इसमें हसवें साइक का, ठीक है जी। नमक हम पहले चिकन में भी ऐड कर चुके हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि नमक इतना ज़्यादा ना हो कि नमक ओवर हो जाए, ये खाया ना जाए खाना। चाहे तो रेड चिली भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, थोड़ा सा कलर आ जाएगा। ब्लैक पेपर पिसा हुआ वो डाल दें आप इसमें, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जी मैदा, ठीक है। मैदा जो इसको बाइंड करेगा, इसको बिल्कुल सख्त कर देगा और ये टूटेगा नहीं। फिर इसको दोबारा से गूंद लेंगे, एक फ्लेवर आ जाएगा, एक टेस्ट आ जाएगा इस आलू के अंदर। बाकी तमाम मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर ऐड हुए हुए हैं। इस तरह से मैदा अगर आपको थोड़ा कम लग रहा है तो और डाल लीजिए, क्योंकि ये जो कटलेट है, ये आलू है, थोड़ा सख्त हो जाएगा मैदे से और ये टूटेगा नहीं, और आसानी जो है आपके कटलेट प्रॉपर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से ये किया, इसे गूंदना है प्रॉपरली, थोड़ा सा सख्त कर लेना है, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो आलू के अंदर एक लेस सा होता है और जो है वो बह जाता है, अच्छी तरीके से प्रॉपर बनता नहीं है। तो हमने इसे मैदा डाल के इसको अच्छी तरीके से गूंदना ज़रूर है। ये हो गया, चिकन भी हो गई हमारी रेडी, तकरीबन ठंडी हो गई है। इसके अलावा हम एक दो कटलेट जो है वो वेजिटेबल में भी बना के दिखाएंगे आपको कि जी अगर हम सब्ज़ी में बनाना चाहें तो वो कैसे बनेंगे। थोड़ा सा पानी रिक्वायर्ड होगा इसके लिए हमें, हाथ या तो गीला कर लीजिए या फिर इसके अंदर जो है आप हाथों में थोड़ा सा कोई ऑयल लगा लीजिए, ताकि ये हाथ आपके जो है हाथों में चिपक ना पैदा हो जाए। ये डाल रहे हैं इसमें चिकन सारी, ठीक है। और चिकन डालते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि ये ठंडा हो और इतना ज़्यादा ऑयली ना हो आपका चिकन, कि ये इसमें से ऑयल निकलने लग जाए या ये आलू जो है फटने लग जाए, ठीक है। ये इस तरह से हमने कर लिया इसको बाइंड। ओल शेप बनाएंगे हम इसका, बिल्कुल जैसे सीख कबाब, या अगर आप चाहें तो इसको कबाबों वाले शेप में भी रख सकते हैं। इस तरह से हमारे कटलेट तैयार होगा। ठीक है जी, इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। बना के हम साइड्स पे रखते जाएंगे और फिर जब हम इसको तलेंगे तो एक साथ ही सारे फ्राई करेंगे, ठीक है जी। दूसरा ले लेंगे हम इस तरह से, हाथ पे थोड़ा इसको फैलाना है। फैलाने के बाद हमने डालनी है इसमें चिकन, और चिकन डालने के बाद हमने इसको प्रॉपरली बंद कर देना है इस तरह से ये, और बंद करने के बाद इसको हल्का सा पुश करेंगे और राउंड शेप में या ओवल शेप में लेके आएंगे इसको। तो इसके साथ ही जी हुआ जाता है हमारे पास एक ब्रेक का टाइम, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है, रहना है मेरे साथ, क्योंकि मैं बना रही हूँ पोटैटो कटलेट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं कुकिंग शो रत्नो ऑन धरती टीवी, स्पॉन्सर्ड बाय पैसिफिक कुकिंग ऑयल, जिनका दावा है विटामिन ए, ई और डी से है भरपूर, कोलेस्ट्रॉल फ्री और यूएसडी ट्रीटेड है। इसके अलावा जब बात हो सहज जायके के फायदे की तो नहीं करना कोई भी कॉम्प्रोमाइज, आज ही जाना है और लेके आना है पैसिफिक कुकिंग ऑयल, क्योंकि यह है आज का इंतखाब। इसके साथ ही आ जाते हैं अपनी आज की ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ, जो है रमज़ान में बहुत ही स्पेशल जी बनाने जा रहे हैं, पोटैटो एंड चिकन कटेट। तो मेरी रेसिपी को करना है आपने पूरा पूरा फॉलो, अगर बनाना चाहते हैं वही जायका और वही लज़त जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है या बाज़ारों में दस्तयाब है। तो जी मैं रिपीट कर देती हूँ अपनी रेसिपी को उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है अभी अभी। चार हमने लिए हैं आलू पोटैटो कटलेट बनाने के लिए, उसको अच्छी तरीके से हमने किया है बॉयल, उसकी पीलिंग कर ली है, उसके बाद उसको मैश किया है, अच्छी तरह से उसको गूंद लिया है। उसके बाद हमने लिए चिकन एक पाव या चिकन मिन्स हमने लेना है एक पाव, मतलब मिन्स मतलब कीमा चिकन का, या फिर अगर आपके पास बोटियां हैं बोनलेस तो आप उसको बारीक बारीक छुरी की मदद से कर लीजिए। इसके अलावा इसकी बाइंडिंग करने के लिए जी चाहिए हमें मैदा, ठीक है जी, मैदा हमें चाहिए हाफ कप, हमें चाहिए ब्रेड क्रम, ठीक है। ब्रेड क्रम जो होता है वो होता है डबल रोटी का चूरा या ब्रेड का चूरा। इसके अलावा जो मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, करेंगे नमक हसबे जायका, रेड चिली पाउडर मतलब लाल चिली पाउडर जो है, जो लाल मिर्च जो हम यूज़ करते हैं हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, क्रश चिली हाफ़ टी स्पून, और गरम मसाला अगर आप यूज़ करना चाहें वो भी हाफ़ टी स्पून आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा हल्दी हम यूज़ करेंगे इसमें पिंच, ठीक है जी। पैसिफिक कुकिंग ऑयल हमने यूज़ करना है इसके अंदर इसको फ्राई करने के लिए हाफ़ कप, क्योंकि हम इसको करेंगे जी शैडो फ्राई, तो डीप फ्राई नहीं करना है इसको, आपने करना है शैडो फ्राई, मतलब हल्का सा ऊपर से फ्राई, जैसे हम कबाब फ्राई करते हैं उसी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। तो जी पहले हमें 2 टेबलस्पून लेना है, पैन में डाल के गरम करना है, अपने चिकन को उसमें डाल देना है और उसको कर लेना है फ्राई तमाम मसाले डाल के। ठंडा कर लेने के बाद जो हमने मैश किए हुए आलू हैं उनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद उसमें हमने मिलाना है मैदा, ठीक है जी। मैदा मिलाने के बाद हमने इस तरह से इसको शेप देना है और चिकन ऐड कर देनी है इसके अंदर, इस तरह से इसको बंद कर देंगे या बाइंड कर देंगे इसको। बड़ा स्मूथली करना है आपने इसको, क्योंकि अगर ये टूट गया या फट गया तो बिल्कुल ही क्रैक हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें से जो है ऑयल बाहर ना आए, या ऑयल से थोड़ा सा आपने निकाल के अच्छी तरह से इसको करना है। ये मैंने दिया है एक कबाब का शेप, ठीक है। ये शेप जो है ये अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल मतलब कर सकते हैं कि आपको जो पसंद हो, ये घर में जो पसंद किया जाता है, या आपके बच्चों को जो पसंद हो। तो मैंने जो 2 बनाए हैं ये बनाए हैं जी ओवल शेप में, ठीक है। और 2 मैंने बनाऊँगी जी, वो एक मैंने बनाया कबाबों के शेप में और दूसरा भी मैं इसी शेप में बनाऊँगी। तो ये आपको आइडियाज़ हैं कि आप जिस तरह से चाहें इसको बना सकते हैं। ये वाला भी हम बनाएंगे जी कबाबों के शेप में। ऑयल हम निकालेंगे इसका अच्छी तरह से, उसके बाद हम डालना है इसमें चिकन, ठीक है। और हाँ, हम इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैं सिर्फ एडिशनल आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको बटर पसंद है तो आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, मतलब मक्खन भी डाल सकते हैं, मक्खन डाल के भी इसको आप मिक्स कर सकते हैं, या इसके बीच में मक्खन डाल दीजिए जब आप इसको कटलेट बना रहे हो तो, इस तरह से, ठीक है जी। ये कटलेट के शेप हमें तैयार कर लिए हैं। पैन ले लेना है एक, फ्लेम करनी है ऑन, अच्छा जी। इसके अलावा हम डाल देंगे इसमें मैदा भी, ऑयल हमने इसमें डालना है हाफ कप और गरम करना है इसको, और इसको हम वैसे ही फ्राई करेंगे जैसे हम कबाबों को फ्राई करते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, हमने मैदे में लगाया इसको,
ब्रेड क्रम्ब ऐड किया, ब्रेड क्रम्ब हमने इसको अच्छी तरह से बहुत क्रिस्पी से बनाए। कटलेट जो हैं चिकन और पोटैटो कटलेट हैं ये हमारे पास। मैदे में हमने इसको दबाया थोड़ा, ठीक है, फिर हमने इसको क्रम्ब लगा दिया। एक बहुत मशहूर चेन है कराची में रेस्टोरेंट्स की, जिनकी जो है बहुत सारी चीज़ें उनके क्रम की वजह से मशहूर हैं। तो क्रम का जो तरीका है अगर वो आप सीख लें तो वही चीज़ें जो है आप घर में आसानी बना सकते हैं। फ्लेम हम करेंगे थोड़ी सी लो और इसमें डाल देंगे जी आलू, बिल्कुल हल्के हाथ से नीचे हाथ करके आपने डालना है इसको कि आपके ऊपर छींटे ना आए। एक डायरेक्ट हम बनाएंगे क्रम में, इस तरह से इसको दबाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट हम क्रम में बनाएंगे, हम इसमें मैदा नहीं लगा रहे। तो दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, किसका क्रम ज़्यादा अच्छा है या जिसकी थिकनेस ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी, ये तजुर्बे हैं, थोड़े थोड़े आपको भी करते रहना चाहिए साथ साथ, ताकि नई नई चीज़ों का हमें पता चलता है। जी ठीक है जी, ये कटेड हमारे बन रहे हैं। एक और मैं इसमें डाल दूंगी साइड पे, जगह है तो बिल्कुल डालिए, अगर जगह नहीं है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए उससे, क्योंकि ये अगर जुड़ गए तो फिर ख़राब हो सकते हैं। तो जब भी कुछ आप फ्राई करें तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि थोड़ा सा स्पेस देने के बाद ही उसको डालिए, वरना जो है आपका पैन के अंदर हर चीज़ जुड़ जाएगी। ये जी इसको हमने पलट लेना है, ये देखिए खूबसूरत सा कलर है इसका और बाइंडिंग बहुत थिक है, बिल्कुल कोई टूटने वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर, कुछ ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। और साथ साथ जी रखना है आपने सफाई का भी ख्याल, क्योंकि जी सफाई जो है मस्ट है अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि दरमियान कोई भी जम्स नहीं होना चाहिए, बीमारियां फैलने का ख़तरा होता है गंदगी से। तो रखना है आपने अपना और अपने प्यारों का ख्याल, तो रखिए जी बिल्कुल सफाई का पूरा पूरा ख्याल। ये ठीक है जी, पोटैटो कटलेट हमारे तैयार हो रहे हैं। दोनों शेप मैंने आपको बताए कि हम इसको कबाब की शेप में किस तरीके से लेके आ सकते हैं, यहाँ हम इसको रोल की शेप में किस तरीके से ला के बना सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई और क्वेश्चंस हैं इसके हवाले से तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, हमें हमारे पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें जो है कॉल्स कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, सवाल कर सकते हैं अपने, आपकी कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं कुकिंग के हवाले से या कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा प्रोग्राम देखते रहिए रधनो ऑन भारती टीवी स्पॉन्सर्ड बाय पैसिफिक कुकिंग वाइल्ड, क्योंकि ये है आज का इंतखाब। तो जी आप अगर कटलेट बना रहे हैं तो बिल्कुल प्रेजेंटेशन का भी बिल्कुल रखना है आपने ख्याल, इस तरह से कुछ भी आपने बनाना नहीं है कि जी बिस सर्व करना है आपने, तो हर फूड की एक प्रेजेंटेशन होती है या उसको सर्व करने का एक होता है तरीका, उस तरीके का आपने रखना है 100% ख्याल, क्योंकि सिर्फ कुकिंग अच्छी कर लेना परफेक्शन नहीं होती, उसको सर्व करना सबसे अहम जो है बात होती है कि आपने उसको प्रेजेंट कैसा किया है। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे खाने ऐसे हैं या बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन ही अच्छी होती है, खाना अच्छा नहीं होता। तो हम लोग जो वहाँ रश लगाते हैं वो इसलिए लगा रहे होते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन क्या वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, भले वो खाने में इतना ज़्यादा अच्छा ना हो। तो ये इस तरह से हमने निकाल लेने जी कटलेट अपने, ठीक है जी ये हमने किया इसको सर्व,
तो इसी तरह से हमारा प्रोग्राम देखते रहिए रत्नों ऑन धरती टीवी स्पॉन्सर्ड बाय पैसिफिक कुकिंग ऑयल, क्योंकि यह है आज का इंतखाब। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल और हम सबको रखेंगे अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसी चैनल पे इसी टाइम। कल तक के लिए।